A very good evening, friends. I would like to start by apologizing for not keeping to our schedule on Saturday evening. But हर वीक एक बार आपसे बात करना है, ये आपसे वादा है, इसीलिए आज हमने सोचा आज हम आपसे बात की जाए. सर, गुड इवनिंग अगेन. गुड इवनिंग सपना. गुड इवनिंग ऑल. आज का टॉपिक द डिफिकल्टी एंड पावर ऑफ सेइंग नो. हमारा ये जो सीरीज है जिसका नाम है जब कोई बात बिगड़ जाए, इसमें हम इस तरह के टॉपिक्स लेने की कोशिश करते हैं जो शायद हमारे आपके लाइफ से बहुत ही रेगुलरली जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के इंटरेक्शंस में हम इन सब इश्यूज को क्रॉस करते रहते. तो हमने सोचा कि अक्सर ये होता है कि हम लोगों को कई चीज़ों के लिए मना करना चाहते हैं. छोटी बात हो या बहुत बड़ी बात हो, हम अपने बच्चों को भी मना करना चाहते हैं कई कई चीज़ों के लिए. हम घर वालों को मना करना चाहते हैं, हम बाहर वालों को मना करना चाहते हैं, और कई बार हम मना करना चाहते हुए भी नहीं बोल नहीं सकते हैं. इसकी अलग अलग वजह होती है, अलग अलग इश्यूज होते हैं, लेकिन एक तो पक्का है कि अगर हम नहीं बोलना चाहते हैं और अगर हम नहीं बोल नहीं सकते हैं तो वी एंड अप विथ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस. तो हमने सोचा कि इसी विषय पे आज हम बात करते हैं. शुरुआत करते हुए मैं सर आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगी कि ये डिफिकल्टी क्यों होती है? मतलब मुझे हाँ बोलना है, मुझे नहीं बोलना है, मेरी मर्जी होनी चाहिए. आई थिंक व्हाई डू वी फेस दिस प्रॉब्लम? सपना, वी आर एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री, AGRII, एग्रीकल्चर. ये एग्रीमेंट कल्चर हमारे को पढ़ाया गया है. और हाँ जी हाँ जी, यस सर, यही हमारी, हमको 150-200 साल यही ठोक पीट के पढ़ाया. इनी निगेशन, इनी नो, मना करना हैज बीन इनकल्केटेड इन अस एज एन डिसोबीडियंस. तो ये एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री के हम हैं, अभी सिटीजन है, तो ये हम पर प्रभाव होता है. मतलब ये हमारी संस्कृति का भाग है. आज के तारीख में हमारी जो संस्कृति है, ये वर्ल्ड वाइड फेनोमेना नहीं है. नॉट एवरीबडी वुड फाइंड डिफिकल्ट टू से नो, बट यस, इन इंडिया द कल्चर वी आर रेफरिंग टू, इट इज रियली डिफिकल्ट. नो टू द एल्डर, नो टू द बॉस, नो टू द नॉलेजेबल इज टेकन एज समथिंग विच इज नॉट राइट कल्चर, बिकॉज इट गोज अगेंस्ट द एग्रीकल्चर. तो ये है हमारे पास. और एक शब्द और कैसे हो गया सपना, ये नो शब्द को हमने निगेटिव बना दिया है और यस को पॉजिटिव. मतलब सफेद अच्छा, काला बुरा, हाँ अच्छा, ना बुरा, ऐसे हमने रंग के साथ, शब्दों के साथ छल कर दिया है. और ना शब्दों को हमने निगेटिव शब्द मान लिया है कि तुम निगेटिव बातें मत करो, तुम हर बार ना कहते हो और हर बार हाँ कहते हो, तुम पॉजिटिव हो. मैंने ऐसे कितने पॉजिटिव बेवकूफ देखे हैं और ऐसे कितने निगेटिव, मतलब नो कहने वाले वाइज देखे हैं. तो हमें वो डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ. हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी तो यही बात है कि इफ अ चाइल्ड, इफ अ स्टूडेंट डिसएग्रीज विद द टीचर, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डू नॉट लाइक इट. ही इज लेबल्ड एज अ रिबेल और एन एरोगेंट चाइल्ड, डिसरिस्पेक्टिंग स्टूडेंट, इस तरह से उसको बुलाया जाता है. क्योंकि अगर हमारे अपने विचार को, हमारे अपने आइडिया, अगर वो स्टूडेंट कुछ समझता है, कुछ अलग एंगल से उसी कॉन्सेप्ट को देखता है, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट टीचर्स डू नॉट टेक इट वेल. देखो सपना, जो टीचर ये नो को हजम नहीं कर पा रहा है, जो स्टूडेंट के नो को समझता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है या डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वही टीचर नो का बखूबी उपयोग करता है और सोचता है ये मेरी अथॉरिटी है. सो सेइंग नो हैज आल्सो बीन टेकन एज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी. माँ बाप जब बच्चे को कहते नहीं, तो आई एम जस्ट एग्जीबिटिंग माई अथॉरिटी, आई एम एग्जीबिटिंग माई पावर. तो मेरा पावर बच्चा नहीं कहता है, मतलब डिसरिस्पेक्टिंग है, सुनता नहीं, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है, ना उसके पास ज्ञान की अथॉरिटी है, ना उम्र की अथॉरिटी है, ना कुछ और कोई चीज के, पैसों की अथॉरिटी है. जिनके पास पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, ज्ञान हो, उन्हें नो कह दिया तो उनको लगता है कि ये अथॉरिटी बता रहे हैं, एग्जीबिट कर रहे हैं. देखिए वो कैसा डिसिप्लिन आदमी है, हाँ नहीं बोल देता है सीधा. मतलब उसको तरफ हम तो बड़े सम्मान से देखते हैं, पर वो छोटा बच्चा नहीं बोल दे तो उसको बेवकूफ मान लेते हैं या डिसोबीडियंट मान लेते हैं. ये हमारे संस्कृति की थोड़ी सी डाइकोटोमी और बड़ी बहुत सी हाइपोक्रेसी है. सो आई थिंक सर, इसकी वजह से जो बचपन से बच्चों को देखने मिलता है कि एवरी टाइम दे से ओ नो,
इवन इफ इट इज अ रिस्पेक्टफुल नो, तो जिस तरह का एडल्ट्स का रिएक्शन होता है साइड से विच इज डेफिनेटली नॉट पॉजिटिव, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमको नहीं बोलने के आसपास फियर भी बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं. लाइक व्हेन वी बिकम एन एडल्ट, और शायद हमारे पास अथॉरिटी भी है, लेकिन फिर भी हमारा स्वभाव ऐसा बन जाता है, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाती है कि हमको डर लगने लगता है. क्योंकि क्या होता है, सपना हम जब छोटे, क्या होता है सपना हम जब छोटे थे और जब हमने नहीं कहा था तो हमें जो कंडेमनेशन मिला था, हमें जो थोड़ा सा धुतकार मिली थी, और उसके स्कार हमारे मन पर हैं. तो कभी कभी हम नो रेबल के लिए भी कहते हैं, मतलब जस्ट टू डिसप्रूव एंड डिसअप्रूव द अथॉरिटी, जस्ट टू रेबल आउट, पीपल यूज नो. और ऐसे समय फिर डर भी बन जाता है, क्योंकि जब आप रेबल करते हो तो जनरली आपको अकेला आइसोलेट करके रेबलिंग करते हो, तो ऐसे समय डर का भी आना बहुत वाजिबी है. और सवाल ऐसा होता है कि जब हमने हमने मम्मी पापा को या पोजीशन ऑफ अथॉरिटी को नो कहते हुए सुना है, तो नो ऑलवेज कम विद द स्टर्ननेस एंड द फर्मनेस, मतलब ऐसा चक्कू जैसा, छुरे जैसा, तलवार जैसा नो बोला जाता है. ऐसा लगता है इसने मुझे काट दिया है. ये अगर नो कहते समय अगर कोई मीठे से नो कह देना, मतलब सपना तुम कल्पना करो कि कोई बड़ा प्रेम से स्माइल करके, नहीं ना सपना ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कहेगा तो वो नहीं भी इतना नहीं बुरा लगता है. मतलब इट इज नॉट अबाउट द नो नाउ, द वे वी टॉक से नो, वो द वे वी अटर नो, और हमें वो इनग्रेन कर दिया है हमारे इसमें. और दुर्भाग्य से क्या होता है सपना, हमने जिस तरीके का नो कान से सुना है, नो तो शब्द है, अल्फाबेट है, एन और ओ शब्द बन गया है, पर हमने जो कान में से उसको आर्टिकुलेशन में से निकालते हैं ना, तो उसमें हम वही प्रकट कर देते हैं, एक तो रेबल या अथॉरिटी या जो भी कुछ है उसमें थोड़ा निगेटिव कनोटेशन आ जाता है. हमें नो कहने की कला भी, उसके साथ में जो एसोसिएटेड बॉडी लैंग्वेज भी होती है, दैट इज आल्सो बॉडी लैंग्वेज, नहीं बोलने वालों की भी जो डिफेंसिव होती है और सुनने वालों की भी जो डिफेंसिव या अटैकिंग होती है, तो वो भी मेरे ख्याल से इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन, कि नहीं बोलने से सामने वाले को मैं पसंद नहीं आऊंगा. इट्स अ फियर ऑफ रिजेक्शन. कई बार तो सपना हमारे यहाँ ऐसे गेम है ना कि नो का मतलब भी हाँ कहते हैं. प्रेम में उसने नो बोल दिया ना तो वो हाँ होगा, तो फिर वो पिक्चर कोई आया था कि नो मींस नो, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस. तो हमने उसको भी बड़ा क्रिप्टिक और सांकेतिक और अलंकारिक और कॉन्टेक्स्चुअल बना दिया है नो को भी, कि कोई अगर सहजता से हाँ बोल दे तो उसका चारित्र या उसका अकल या उसका पोजिशन, मतलब जो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो फिर जो हाँ बोलेगा, उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो उसको क्या पर्याय नहीं नो बोलने का, उसकी उम्र क्या है क्या नो बोलेगा. हमने वो नो को भी ऐसे सब चीजों से जोड़ दिया है. और बड़े मतलब बहुत अच्छा विषय तुमने चुना है सपना, आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर चूजिंग दिस सब्जेक्ट. सो अगर हम रिजल्ट्स को फिर से समझने की कोशिश करें, तो इट इज बेसिकली बिकॉज हाउ वी हैव सीन पीपल रिएक्टिंग टू नो सिंस आवर चाइल्डहुड and anyone, and बचपन में बच्चे का जिससे इंटरेक्शन रहता है, they are all people who are important to the child. तो वो व्यक्ति जो हमारे लिए important था, या parent था, या कोई और authority position में था, या teachers थे, ये important लोग कोई भी हो हमारी life में, उनको जब हम नहीं बोलते हैं तो they do not like me, they reject me in some way or the other. ये जो ingrained है हमारे दिमाग में. So I guess sir, this no adulthood में अगर हम बात करेंगे, तो when subconsciously what is acting with us is नहीं बोलने से I can lose relationships. ये fear मैंने कहा है, हाँ, fear of losing. बहुत ज्यादा होता है सपना, ये fear of losing बहुत ज्यादा होता है, और इससे हम no नहीं कह पा रहे adulthood में, क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं ना कह दूँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं अकेला हो जाऊंगा, और वो मैं जो clinging हूँ या मैं डिपेंडेंट हूँ या मैं इंटरडिपेंडेंट हूँ, जो भी हूँ, मुझे लगता है कि मेरे पास वो ऑटोनॉमी नहीं है, वो असर्टिवनेस मुझे सीखना पड़ेगा. तो कई बार ये नो कहने की वजह ये भी होती है कि मैं खुद को काबिल नहीं मानता हूँ नो कहने के, और सोचता हूँ कि चूंकि मैं उनके ऊपर निर्भर करता हूँ और मैं नो कह दूँ तो वो बुरा मान जाए और मुझे वो अलग धलग कर दे या मुझे छोड़ दे या मैं मेरे बेनिफिट गंवा दूँ. मुझे लगता है कि हमें एक वो जो एक श्लोक था संस्कृत में, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियात, तो उसमें यह कहा था कि आप सत्य कहिए पर वो प्रिय सत्य कहिए. मतलब हम जब नो कहते हैं ना तो नो कहने का तरीका नो से शुरू नहीं होता है. मतलब अगर कोई मुझे कोई बात बता रहा है, कोई व्यक्ति मुझे कुछ बात बता रहा है और मैं उसे सहमत नहीं हूँ,
तो मेरी शुरुआत नहीं से होना आवश्यक नहीं, मैं इस तरीके से बात करता हूँ सपना, कि आपकी बात तो मुझे समझ में आ गई पर मैं अपनी अलग बात सोचता हूँ, या फिर ये भी कह सकता हूँ कि आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई और इससे मैं उसको हाँ या ना नहीं कह सकता हूँ। मतलब मैं दो तरीके से कह सकता हूँ, एक कि उसकी बात मुझे समझ में आई और उससे मैं असहमत हूँ, और दूसरी कि उसकी बात मुझे समझ में नहीं आई। तो दोनों समय में नो बहन कहने की संभावना बनती है, पर ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये हम वैसा स्पष्टीकरण के साथ नहीं कहते हैं, हम सिर्फ नो शब्द में डाल देते हैं अगर अथॉरिटी है तो, और अगर अथॉरिटी नहीं है तो हम नो उच्चारने को डरते हैं, ये हमारी हालात हो जाती है साइकोलॉजी। हाँ, हम डरते हैं। तो यहाँ पर सर हम लो सेल्फ एस्टीम की भी बात कर सकते हैं ना, कि इफ आई डू नॉट थिंक दैट आई एम वर्थ, इफ आई एम नॉट वर्थ द रिलेशनशिप, इफ आई एम नॉट वर्थ योर एसोसिएशन, तो मुझे लगेगा कि आई हैव टू डू समथिंग टू प्लीज यू ऑल द टाइम, एंड दैट प्लीजिंग देन कम्स विद से अग्री विद एवरीथिंग दैट यू से यस टू एवरीथिंग, भले ही मुझे नहीं बोलना है बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, आप मुझे कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं, बट आई विल नॉट से नो बिकॉज आई डोंट फील दैट आई एम वर्थ यू योर अटेंशन और एनीथिंग। और वो फियर जो मेरा लो सेल्फ एस्टीम से आया हुआ है, दैट मेक्स मी अग्री टू सो मेनी थिंग्स विच आई वुड नॉर्मली परहैप्स नॉट लाइक टू अग्री। सर ये सपना, मैंने ऐसे लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग भी देखे। तुमने एक कहा कि जो लो सेल्फ एस्टीम के कारण हर चीज को यस कहते हैं, नो नहीं कह सकते। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं सपना, कि जो लो सेल्फ एस्टीम से हर चीज को नो कहते हैं। मतलब उनको लगता है कि मैं नो कहने से मैं मेरी पावर या मेरी वर्थ या मेरी इंडिविजुअलिटी या मेरा, हाँ, तो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जो हर चीज को नो कहते हैं, कई बार तो अपना नुकसान करके नो कहते हैं, और वो भी लो सेल्फ एस्टीम से आ सकता है। तो लो सेल्फ एस्टीम से नो करने की क्षमता, मतलब सही जगह पे नो कहे और सही जगह पे यस कहे, जहां नो कहना वहां नो कहे, जहां यस कहना वहां यस कहे। तो हर जगह यस कहना सेल्फ एस्टीम का कम होना है, वैसे हर जगह नो कहना भी सेल्फ एस्टीम का लो होने का इंडिकेट करता है। और ऐसे में मैंने लोग देखे जो लो सेल्फ एस्टीम से अच्छी चीजें को नकार देते हैं, धुतकार देते हैं, और ये सोचते हैं कि मैंने नो कह के मैंने अपना अधिकार या अपनी सुपीरियर पोजिशन जाहिर की। हाँ, ऐसे भी मैंने देखे हैं सपना। सर रिलेशनशिप्स में मैंने देखा हुआ है कि यंगस्टर्स में कई बार देखा है कि when they are in a love relationship or they are dating initially, कई बार ये होता है कि when one of the partners, I mean say I would say that when the boy is proposing for physical relationship, sexual relationship, कई बार जो लड़कियां नहीं कहना चाहती है वो भी yes इस डर से कहती है कि then this person will not like me। ये बहुत कॉमन है और जिसका फायदा भी काफी बार उठाया जाता है, क्योंकि आई हैव सीन दैट जिनके इंटेंशन सही नहीं है दे यूज दिस टिपिकल लाइन, जो मुझे काउंसलिंग में लड़कियों ने बताया है कई बार कि वो उनका कहना होता है कि अच्छा तो यू डोंट ट्रस्ट मी, फाइन लेट अस एंड दिस रिलेशनशिप। द फियर दैट आई विल लूज अ पर्सन मे बी बिकॉज आई एम नॉट वर्थ एनीवन एल्स, मुझे कोई मिलेगा नहीं और एटसेट्रा एटसेट्रा also operates a lot for people, for many of these girls to say yes or rather than saying no. मेरी प्रतिक्रिया होना है क्या सपना इसके ऊपर? आप बोलिए सर। अच्छा, देखिए ये जो ये गेम होता है, दिस इज अ गेम बीइंग प्लेड, और लड़का जो प्रेम करता है ऐसा कहता है और लड़की से ट्रस्ट का एविडेंस देने के लिए उसे फिजिकल कांटेक्ट की जब सजेशन देता है, तो बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज दैट आई लव यू एंड आई वांट यू टू नो वेदर यू लव मी, एंड देन इफ यू लव मी यू ट्रस्ट मी, एंड इफ यू ट्रस्ट मी यू शुड नॉट से नो टू मी, बिकॉज यू आर सेइंग नो इज अ मैटर ऑफ डिस्ट्रस्ट और मैटर ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट, जो भी कुछ है। ऐसे समय मुझे लगता है अभी यहाँ नो कैसे कहा जाए, हमें ये इस तरीके से नो कहना चाहिए, ये लड़कियों के लिए सलाह दे रहा हूँ, कि रिश्ते के तो रिश्ता तो अपना, देखो सपना व्हाट आई बिलीव इज दैट सेक्स इज द जॉय ऑफ क्या कहूँ, सेक्स कम हैपन्स व्हेन द जॉय ऑफ टुगेदरनेस कन्वर्ट्स इनटू द एक्सटेसी ऑफ दैट कंपेनियनशिप। तो वो एक्सटेसिक मोमेंट पे सेक्स होना एक अपनी बात, और सेक्स के लिए जो एक फिजिकल एक्ट के अंतर्गत एंगेज करना दूसरी एक्ट होती है।
और वो फिजिकल एक्ट में एंगेज होना भी ट्रस्ट का सबूत है, ऐसा वो मानता है, यहां तक तो मैं ठीक हूं, पर अगर मैं भी वो मानती हूं तो यहां मेरा लो सेल्फ एस्टीम काम कर रहा है और मुझे खुद को बताना है कि मेरा फिजिकल कॉन्टेक्ट हो ना हो मेरा ट्रस्ट है, और अगर मेरे ट्रस्ट का वो सबूत मांगता है तो वो सबूत मांगना ही उसका डिस्ट्रस्ट का सबूत है। मतलब सीकिंग एविडेंस ऑफ माय ट्रस्ट इज एन एविडेंस ऑफ हिज नॉट ट्रस्टिंग मी, दिस इज हाउ आई लुक एट इट। आई लुक एट इट एंड वन शुड बी वेरी क्लियर, आई वुड लाइक दिस गर्ल्स टू नो दैट ट्रस्ट इज नॉट टू बी, मतलब आपको साबित नहीं करना है सपना, प्रेम साबित करने की समस्या अगर आ जाए तो वो समझ लीजिए हम प्रेम का प्रकटीकरण करने के इसमें आ गए हैं। और चलो ये बच्चे ऐसे हैं, बच्चे की उम्र है, प्रकटीकरण का ही जमाना है, एग्जीबिशनिज्म चल रहा है, तो उनको मैं दोष नहीं दूंगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि लड़कियां भी उसको स्ट्रैटेजिक नो कहती है, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब सो नॉट एबल टू से नो, इसके इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स के बारे में अब हम थोड़ा बात करेंगे कि हमको कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या नुकसान भी हो रहा है साथ में। हम तो बोलते जा रहे हैं यस, बोलते जा रहे हैं यस, लेकिन उससे काफी सारे जो नुकसान होते हैं, वी नीड टू टॉक अबाउट देम सो दैट वी बिकम अवेयर ऑफ इट कि हम ये कर रहे हैं और हमारे साथ हो क्या रहा है। इट इज नॉट दैट सिंपल कि आप नहीं हाँ की जगह नहीं की जगह हाँ बोल दो और बस लाइफ और वो मैटर एंड हो गया। इट्स नॉट दैट, आई थिंक इट्स नॉट क्वाइट अ लॉट डीप सीटेड इफेक्ट्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। तो सपना बात ऐसी है कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन, साइकोलॉजिकल रिलेशनल ट्रांजैक्शन या फिर व्यवहार का ट्रांजैक्शन, सो देयर इज अ ऑफर एंड देयर इज अ कंसेंट, एंड ऑफर प्लस कंसेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा एक मॉडल है। तो देयर वुड बी समबडी हु वुड ऑफर और सजेस्ट और प्रपोज, एंड देयर विल बी अदर हु वुड एक्सेप्ट और गिव कंसेंट। तो ये एक्सेप्टेंस और गिविंग कंसेंट मेक्स दैट ट्रांजैक्शन कंप्लीट। तो वैसे ही जब हम यस कहते हैं तो वी हैव टू बी अवेयर दैट वी आर क्रिएटिंग अ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट, एंड व्हेन यू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट यू पुट लॉट ऑफ लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शंस ऑन योर फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। एवरी कॉन्ट्रैक्ट बाइंड्स यू, वेदर इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट स्टेटेड क्लियरली इन द वर्ड्स एंड द डॉक्यूमेंट, और इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग थ्रू द रिलेशनशिप फॉर्मेशन। And these psychological contracts are more dangerous than the this legal contract, क्योंकि उसमें boundaries set नहीं हुई हैं और उसमें limits set नहीं हुई हैं और उसमें हमने अपना क्या role specify नहीं किया है। So legal you do not specifications and an escape way also. क्या बात है? There is an exit clause in the contract. Yeah. You can terminate the contract if there is some breach of a contractual term. ये रिलेशनशिप में ये ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म हमने डिफाइन नहीं किया है, और यहाँ पे जो व्यक्ति ओवर पावर करता है रिलेशनशिप में वो मैनिपुलेट करता है और वो गेम खेलता है। जैसा कि एक गेम आपने कहा कि डोंट यू ट्रस्ट मी, ये डोंट यू ट्रस्ट मी वाला गेम है ये, दिस इज नॉट द ट्रूथफुल, क्या कहूँ मैं, दिस इज नॉट अ ट्रूथफुल कॉन्वर्सेशन, दिस इज अ वेरी कनिंग मैनिपुलेटिव गेम ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन। तो ऐसे इससे हमको बचना चाहिए। तो जब भी हम यस कहते हैं तो यस कहने के साथ साथ ही हमें अपनी बाउंड्रीज लिमिट्स बॉर्डर्स डिफाइन करनी चाहिए कि टू दिस एक्सटेंट आई एम सेइंग यस, यस इज नॉट इटरनल एंड यस इज नॉट एवर कंपासिंग ऑल कंपासिंग। मतलब वो हर चीज को कंपास नहीं करेगा, इनकंपास नहीं करेगा, ना वो इटरनल है कि आज से यस बोला तो मरते दम तक यस रहेगा। तो यस को अपना टाइम बार समय रखना होगा और यस को अपनी बाउंड्रीज डिफाइन करना होगा। इसको हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की बाउंड्रीज सेट करना। ये साइकोलॉजी में कॉन्ट्रैक्ट की बाउंड्री हम सेट नहीं करते। क्या होता है, जनरली दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्रिएटेड इन द इमोशनैलिटी, द फ्लो और द सर्ज ऑफ इमोशंस, ये रिलेशनशिप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जब फ्लो ऑफ सर्ज ऑफ इमोशंस होते हैं सपना, तो जनरली अवर कॉग्निटिवली हम थोड़े से गाफिल हो जाते हैं, हम थोड़े ऑफ गार्ड हो जाते हैं, और फिर वो चांद से चांद तक, कयामत से कयामत तक, सात जन्म सौ जन्म, ऐसी बातें बेवकूफ़ी, मतलब बेवकूफ़ी शब्द माफ़ करना, पर ये ऐसी बातें करने लग जाते हैं और बस यहीं पे वो बाउंड्रीज टूट जाती है और फिर आगे लगता है कि मैंने ये हाँ बोला अभी ना कैसे बोलूँ। तो कई बार तो ये देखा गया है कि मैंने एक बार हाँ बोला था इसलिए दूसरे बार ना नहीं बोल सकता हूँ कि पिछले बार तो तुमने हाँ बोला था। तो इस तरीके से ब्लैकमेल में हम शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमने बाउंड्री सेट नहीं की। तो मेरा जो हाँ है वो इस मोमेंट के लिए है और इस विषय में है, अगली मोमेंट अगला विषय मेरा हाँ फिर से लेना, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। सो दिस इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली
because of one, maybe the lack of communication skills, lack of self-confidence, lack of self-esteem, fear of losing, ye sab ki wajah se ek we fail to communicate exactly. Because mujhe lagta hai ki us samay jab I know I want to say no, but I am saying yes, I am already very overwhelmed. मुझे वैसे ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं हाँ बोल रही हूँ. आई एम वेरी मच ओवरवेल्म्ड एट दैट वेरी मोमेंट. तो मुझे लगता है कि ये सब सोचना इट इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल एट दैट मोमेंट अनलेस वी वर्क ऑन इट इन आवर माइंड. एंड यू नो, जैसे मुझे लगता है कि हम लीगल मीटिंग्स के लिए तैयार करके जाते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वी मेक सम प्रिपरेशन एंड देन वी गो फॉर इट. आई थिंक इट्स वी शुड बी एक्चुअली स्पेंडिंग सम टाइम टू थिंक अबाउट आवर सेल्फ. हम अपने बारे में सोचे, समझे, जाने कि ये पॉइंट पे मैं वीक पड़ जाता हूँ, ये पॉइंट पे मुझे लोग थोड़ा ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, दिस इज वेयर आई लूज द पावर्स इन माई सेल्फ एंड आई गिव माई कंट्रोल टू द अदर पीपल. इस तरह से अगर मुझे लगता है कि सेल्फ अवेयरनेस पे अगर हम काम करें तो ये जो इफेक्ट्स है लो सेल्फ एस्टीम के, शायद कुछ बाद में हमको कम दिखे, बट द इफेक्ट सर बहुत ही ज्यादा है. क्योंकि मुझे लगता है लो सेल्फ एस्टीम की वजह से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, और नहीं नहीं बोलने की वजह से भी लोअर सेल्फ एस्टीम और होते जाता है, और सेल्फ एस्टीम मेरा लो होते जाता है. बिकॉज आई फील दैट आई कैन नॉट, आई कांट इवन फेस दिस पर्सन. मैं इस इंसान से सीधे बात भी नहीं कर सकता, अपनी बात भी नहीं रख सकता, तो दैट ऑल्सो इफेक्ट्स माई सेल्फ एस्टीम. एंड आई फील सर वी लूज द कंट्रोल ऑफ पावर ओवर आवर सेल्फ. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखो सपना, मेरी अपनी सोच ऐसी है कि जब मैं हाँ कहता हूँ तो आई डू नॉट लूज माई पावर, nor I do give up my authority. I have consciously said no, knowing the consequences and the boundaries of no. And I have said yes, knowing the consequences and boundaries of yes. So when I say yes, I have not delegated my power to anyone. I have right to revoke my yes. When I know this, that is awareness. मतलब मैं यस किस को कह रहा हूँ, कौन से कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, किस व्यक्ति को कह रहा हूँ, और किस समय के कौन से समय सीमा के लिए कह रहा हूँ, ये अगर मुझे पता है ना सपना, तो मुझे यस कहते समय डर नहीं लगेगा. अक्सर ये देखा गया है कि अगर मैं यस कह दूँ तो ऐसा लगता है कि ये कोई स्लोप पे से फिसलने लग जाएगा, वो बर्फीला स्लोप है, एक बार यस बोला तो पूरा नीचे जाके रुकेगा. ऐसा नहीं है, मैं हर पाँव मेरा यस एंड नो आर माई टू स्टेप्स. I would choose which step I have to take, yes or no, left or right. जो भी लेना है मैं लेते रहूंगा, रोज लेते रहूंगा. और मुझे लगता है कि हमें रात को सोते समय या कभी भी दिन में एक बार हमने आज किसको yes कहा, क्यों कहा, और उसके परिणाम क्या होंगे. हो सकता है उस समय आपको spontaneously yes या no कहना पड़ता है. मैं मतलब समझता हूँ compulsions of the situation होते हैं जहाँ पे yes no आपको spontaneously लेना पड़ता है. पर मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद हमने उसका रिव्यू करने को ना सोने के पहले कि मैंने जो यस कहा वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, और उसके परिणाम क्या है, और मेरी बाउंड्रीज लिमिटेशन क्या है. अगर मैंने नो कहा तो मैंने किस डर से कहा, और वो क्या डर जायज है, सच है, और वो डर अगर जायज नहीं है, सच नहीं है, तो मेरा नो नो है या अभी उसको मैंने क्या करना है. तो यस को नो और नो को यस कन्वर्ट करने की एबिलिटी मेरे पास है. लोग ये मानते हैं कि एक बार मैंने यस कह दिया तो मैंने यस कह दिया. ये 7 जन्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हर रिश्ता, और हर चीज के बारे में मेरा डिसीजन जो है वो परमानेंट डिसीजन नहीं है. आज मैं मेरी बेटी को शायद कह दूं कि चलो तुम पिक्चर जा सकती हो, इसका मतलब जब भी पूछेगी पिक्चर नहीं जा सकती है. या आज अगर मैं उसको कह दूं कि हाँ तुम मेरी कार लेके जा सकती हो, इसका मतलब ये नहीं कि अभी मेरी कार वो बिना पूछे लेके जाएगी. हमें ये हमारे दिल में साफ होना, हमारे मन में साफ होना. आई थिंक द क्लैरिटी हैज टू बी इन मी, एंड देन आई वॉन्ट टू ब्रिंग द क्लैरिटी इन द अदर. बेसिकली आई हैव टू रिटेन माई क्लैरिटी. और जब मेरे में क्लैरिटी होती है ना सपना, तो मैं नो सहजता से बोल सकता हूँ. नो के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती. देर इज नो डिफिकल्टी इन सेइंग नो व्हेन आई नो आई एम सेइंग नो. बट ओनली थिंग इज दैट आई शुड नो हाउ टू से नो. मतलब मैंने नो कैसे कहना है, वो प्रिय तरीके से बोलना है नो. मतलब इस तरीके से कि अगर मेरी बेटी को मैं नो बोल रहा हूँ तो मुझे ये बताना है, बेटा तुमको मैं नो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें डिनाई करना चाहता हूँ, क्योंकि नो का मतलब डिनायल होता है, क्योंकि नो मतलब डिनायल, यस मतलब एक्सेप्टेंस. ये दो हमने शब्दों के अर्थ लगा दिए. तो हमें ये बताना पड़ता है कि बेटी मैं तुम्हें आज इसलिए नो कह रहा हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, और अभी माहौल ऐसा है कि तुम अभी पिक्चर को जाओगी तो अभी कल ही थिएटर खुले हैं, कोरोना अभी तक कम नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता है क्या हालात है, तो मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में दांव पे लगा दूँ. और तुमसे मैं प्यार करता हूँ बेटा, और तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत अहम है, और मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा. टेक माई नो, बट व्हेन आई एम सेइंग टेक माई नो, एक्सेप्ट माई लव फॉर दैट. मतलब मैं तुम्हें प्रेम से कह रहा हूँ मैं तुम्हें नो.
पर सर ये जो आपने बात कही कि दिस इज आफ्टर हैविंग अ क्लैरिटी दैट व्हाई आई सेड नो व्हाई आई सेड यस एंड दोनों कॉन्टेक्चुअल है परमानेंट कुछ नहीं है और आई कैन कन्वर्ट माय नो टू यस एंड माय यस टू नो ये इतनी क्लैरिटी के साथ में जब आप बात करते हो समझते हो अपने आप को देन आई थिंक दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर ये क्लैरिटी नहीं है और मैंने नहीं बोल दिया किसी को यस बोल दिया है और मैं कंटिन्यूअसली हर बार में यस बोलते जा रही हूँ जबकि मुझे नहीं कहना है तो आई थिंक आई कैन ऑल्सो डेवलप अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट एंड मे बी गिल्ट ऑल्सो इन साइड मी अबाउट सो मेनी थिंग्स बिकॉज अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग राइट जो मुझे नहीं कहना था वो मैं यस करके हर बार करके आती हूँ मे बी आई विल नॉट इंटरेक्ट विद पीपल लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज बोरोइंग मनी फ्रॉम मी and every single time I go out with people and they borrow money for me and I'm not able to say no to main shayad jana hi band kar do because I will start doubting myself my abilities so jane se to na jana better hai is it's a small example that I am giving but this happens in many of the cases ki ek particular company mein ek particular group mein this certain kind of activities happening where I want to say no but I said yes under pressure once and I'm not able to stand up to it maybe I'll stop going there because maybe I'll start doubting myself maybe I'll start having a lot of questions with myself kyunki ek cheez hai sir hum un logo ke samne generally humko zabardasti yes hum un logo ke samne bolte hain jo so called bahut pressurize karke dabav dekar humse baat karte hain abhi kisi ne hamare paas ek message aaya hai उन्होंने कहा है कि इफ वी से नो पीपल स्टार्ट शाउटिंग एट अस एंड दे ट्रबल फियर मुझे लगता है कि उसको तो मैं वो नहीं कर पाती हूँ बट देन दे अपियर टू बी फिगर ऑफ अथॉरिटी दे अपियर टू बी द पीपल हु आर मोर राइटियस दे अपियर और दे क्रिएट एन इफेक्ट I am the right one. I know everything. I have the power. I have the knowledge. And in turn saying ki tumko kuch nahi aata hai, tumko kuch nahi samajhta hai. You have to do as I am. So in turn, it is also creating a lot of self-doubt within me that maybe I really don't know. Sapna, जब हम no कहते हैं और कोई मेरे पे चिल्लाए, shout करे, reject करे, condemn करे, ये संभावना बनती है, तो मुझे cost benefit analysis करना चाहिए. मतलब मैं अभी जो मेरी अपमान है उसको मैं देख रहा हूँ. ये नो कहने से मेरा ये नुकसान होने वाला है, मेरी सेल्फ इमेज पे आंच आ सकती है, मेरे कोई बेनिफिट्स विड्रॉ हो सकते हैं, ये मैं देख रहा हूँ. और मैं नो कहने की ये तुरंत जो डिसएडवांटेज है या लॉसेस है ये मैं आंक रहा हूँ. पर मुझे जब मैं शॉर्ट टर्म कंसिक्वेंसेस देख रहा हूँ तो इट इज़ गुड आइडिया टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस. अगर मैं ये डर से वो मेरे पे चिल्लाएगा या मेरे कोई बेनिफिट आज के विड्रॉ हो जाएंगे, ये नो कहने से हो जाएंगे, ये सोच के अगर मैं ये हाँ बोल दूं तो मेरे हाँ बोलने के क्या कंसिक्वेंसेस हो गए, ये भी जज करना चाहिए. और पता चलेगा कि हाँ कहने के कंसिक्वेंसेस इससे ज्यादा भयावह है एंड दे आर लॉन्ग टर्म. मतलब एक बार मेरी कोई बेइज्जती कर भी दे, मेरे जिल्लत महसूस हो भी जाए, मुझे कोई विड्रॉ बेनिफिट कर भी दे, तो इट इज वन टाइम. पर ये यस मुझे हर बार कहना पड़ेगा और हर बार मुझे यही धोखा रहेगा कि मेरी बेइज्जती होगी, मेरे पे कोई चिल्लाएगा. अगर ये डर के साथ मैं जी रहा हूं तो देखो सपना, बात ऐसी होती है कि मेरा जो अपना आत्मसम्मान, मैं कह रहा हूं ये यहाँ आत्मसम्मान नहीं है कोई चिल्लाने से, मेरी इमेज है, सेल्फ इमेज विच इज एसोसिएटेड विथ माई ईगो नॉट विथ माई सेल्फ एस्टीम. कोई मेरे पे चिल्ला दे और बेवकूफी से चिल्ला दे तो मेरा अपमान नहीं, उसकी बेवकूफी साबित होती है, ऐसा मैं मानता हूं. मतलब इफ समबडी शाउटिंग एट मी foolishly, insanely, doesn't demean me, he is demeaning himself or herself. ऐसा मैं मानता हूँ. तो वो अपनी बेवकूफी साबित कर रहे हैं. एक थोड़ा सा एक हमारे पास में कमेंट हुए हैं. इस पे एक सेम पर्सन हैज सेड दैट व्हेन आई हैव ट्राइड टू से नो आई हैव बीन थ्रेटन्ड हाउ टू डील विद सच सिचुएशन. अभी आई कैन डेफिनेटली से टू यू कांता हु हैव सेड कथा हु हैज सेंट मी दिस मैसेज इज ये बहुत सर्कमस्टेंशियल भी है. लाइक वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस द पर्सन और क्या व्हाट इज एट स्टेक, क्या आपका नुकसान हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, ये हमको समझना पड़ेगा क्योंकि इसका एक जनरलाइज्ड जवाब नहीं हो सकता है.
जनरल वे में अगर मैं देखूंगी तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर ये ऐसा कोई व्यक्ति है आपके लाइफ में जो इस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है, तो एक बात तो डेफिनेटली साबित होती है कि ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, ये तो जरूर साबित होता है। और आपको अपने लाइफ के लिए, अपनी लाइफ बेटर कैसी बनानी है, इसके लिए इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। भले ही हो सकता है किसी की आपको हेल्प लेनी पड़े, इफ द सिचुएशन इज नॉट राइट आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, बट ये हमको यहाँ पर फिर बाकी जो अभी सर ने बात कही है कि हमको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखना है। आज उसके थ्रेट में आकर अगर हम अपनी ना को हाँ में बदल देते हैं तो ये तो एक पैटर्न बन जाता है। अच्छी सिचुएशन नहीं है, डर लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, डर लगता है और भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी हमारे लिए है, लेकिन आज ये हमारे लिए इंडिकेशन है कि ये अगर इस तरह का एक व्यक्ति हमारे साथ रिलेट कर रहा है तो ये इसको अगर मैं कंटिन्यूड रखती हूँ तो हाउ बैड इट कैन बिकम इन द फ्यूचर, ये तो और खराब ही सपना मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कुछ कहना है होता इस पर। बात ऐसी है कि जब हम छोटे थे तो हमारे बड़े लोग हमें बोंगिया, बुआ, राक्षस, भूत ऐसे कुछ बताते थे, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर जाओगे तो तुमको मैं बांध के रख दूंगा, ऐसे धमकी देते थे ताकि हमको डिसिप्लिन करें। वो उस है। समय जब मैं छोटा था, गैर जिम्मेदार था, इमेच्योर था, मैं डिपेंडेंट था, कम्प्लीटली इमोशनली मैच्योर नहीं था, इंटेलेक्चुअली डेवलप नहीं था, उस समय शायद वो मेरे बुजुर्गों ने जो किया वो सही किया होगा। पर आज मैं कौन सी अवस्था में हूँ, एम आई स्टिल अ चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश, ये हमें देखना होगा। मतलब जो व्यक्ति ऐसे थ्रेट को देखिए, देयर विल सोसाइटी एंड द पीपल विल ऑलवेज क्रिएट अ थ्रेट परसेप्शन फॉर यू, आई एम सेइंग क्रिएट अ थ्रेट परसेप्शन, मतलब कोई अगर धमकी देता है तो वो धमकी सच है, ये मानना कितना जायज है मुझे नहीं पता है। और अगर किसी के पास सही में धमकी है तो आई वुड से सो बीट, एक बार कर ही लो यार, अभी देख ही लेते हैं कि क्या होता है, कौन सी धमकी की बात हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये धमकियों के अंडर काम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस लव अंडर थ्रेट। और ये जो व्यक्ति आपको थ्रेट परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, अगर आप सही में गैर जिम्मेदार हो, छोटे हो, नाबालिग हो, आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुए, तो वो डिसिप्लिन का एक अहम हिस्सा बनता है, अनुशासन करने के लिए करना पड़ता है। पर जो व्यक्ति ने सवाल पूछा है उसको मैं बालिग मान रहा हूँ, मैच्योर मान रहा हूँ, इसलिए उसको मैच्योर मान के जवाब दे रहा हूँ कि अगर आप इतने बड़े हो कि आप खुद का भला बुरा समझ सकते हो तो थ्रेट शुड नॉट डिटर यू। और ऐसे ये तो छोटा थ्रेट है, दूसरी बाहर कहीं। मैं दूसरा इसका एस्पेक्ट, क्योंकि आपने ये बात निकाली है कि ये व्यक्ति मैच्योर है अगर तो कैसे डील करना है, थ्रेट की बात सिद्धांत तक आती है। एक और एग्जांपल मेरे पास आया, काफी कॉमन हो रहा है। यंग लड़कियों को सर आप कंटिन्यू करिए थोड़ा 5 मिनट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब हम ऐसे थ्रेट परसेप्शन को सही मानते हैं और थ्रेट के अंदर नो की जगह यस कहते हैं, तो आप ऐसा लगता है कि मैं मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, मतलब मैं मेरे को खुद को क्या कहूँ, मैं मेरा सेल्फ एस्टीम लो कर रहा हूँ या मेरा नुकसान हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। पर सच्चाई ये है कि मैं उसको उसकी क्या गलत एक्शन को रीइन्फोर्स करता हूं, मतलब एक ही समय में दो गलतियां कर रहा हूं, एक मैं खुद का आत्मसम्मान और कम करते जा रहा हूं, और दूसरा उसकी थ्रेट देने की क्षमता को मैं और मजबूत करते जा रहा हूं। और ऐसे समय हमें यह देखना है कि जैसे रिश्ते के छोर पे, दोनों छोर पे एक एक व्यक्ति है, एक जगह मैं हूं जो थ्रेट परस्यू कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और दूसरी छोर पे दूसरा व्यक्ति है जो थ्रेट दे रहा है। और अगर मैं नो की जगह यस कह दूं तो ये समझ लीजिए कि आप उस राक्षस को पुष्ट कर रहे हैं। मैं इसको राक्षस सिंबॉलिक बोल रहा हूँ, वो व्यक्ति के प्रति मैं विशेषण नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये वृत्ति राक्षसी वृत्ति है, ये तमसी वृत्ति है, और कोई आपको थ्रेट दे के आपको करेक्ट करना चाहता है जबकि आप बड़े हैं, आपकी भली आपका भला भली भांति जानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को नो ना कहना और यस कहना अंडर द थ्रेट इज गोइंग टू रीइन्फोर्स द बिलीफ इन दैट पर्सन दैट ही इज राइट, एंड देन ही वुड ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट इज थ्रेट वर्क्स, मतलब उसका थ्रेट काम करता है, एंड देन दैट थ्रेट विल बी यूज्ड एज अ स्ट्रेटेजी, वो थ्रेट को स्ट्रेटेजी बोल के यूज करेगा और आपके ऊपर वो डंडू, वो बोंगा, वो बुआ वो दिखाते रहेगा।
और वो सच कितना है मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कांता है, जिसका आपका नाम है शायद, कि आपने वो थ्रेट को एक बार, झूठ कहते जो कहते डर नहीं लगता, डर के आगे जीत है, आप वो डर को एक बार फेस कर ही लो कि क्या थ्रेट है और कैसे होता है. So considering that this person who's asking the question or someone else is a young person into a wrong relationship. आज एक टिपिकल केस जो हो रहा है सर, मैं जिसकी बात कर रही थी, यंग लड़कियों को उनके सोशल मीडिया के फोटोग्राफ्स मॉर्फ करके उनको उन्हीं के फोटोग्राफ्स पॉर्नोग्राफिक फोटोग्राफ के रूप में भेजे जा रहे हैं यंग लड़कियों को, और उनसे फिर फेवर्स मांगे जा रहे हैं इधर इन द फॉर्म ऑफ हेलो क्या इधर इन द फॉर्म ऑफ कि आप अपनी रियल पिक्चर्स हमको सेंड करो, यू नो नेकेड पिक्चर्स. ये केसेस बहुत ज्यादा कॉमन हो रहे हैं सर. अब यहाँ पर मुझे लगता है कि इफ दिस गर्ल इज नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल द सिचुएशन, फिर यहाँ पर सिचुएशन और आप नहीं बोलना चाहते लेकिन आप थ्रेट के अंदर में हाँ बोल रहे हो, तो यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विथ योर पेरेंट्स और एनी वन ऑफ अथॉरिटी. यहाँ पर आप पूरी तरह से अपने हाथ में लेकर यू कैन नॉट डू एनीथिंग गुड टू योरसेल्फ, क्योंकि ये एक के बाद एक बात बढ़ती ही जाती है विच कैन इन द लॉन्ग रन बी वेरी बैड फॉर यू. सपना, अगर ये इश्यू ब्लैकमेल का है, मतलब इसमें ब्लैकमेलिंग हो रहा है और कोई क्रिमिनल एलिमेंट ब्लैकमेल कर रहा है, तो यहाँ पे ये इश्यू साइकोलॉजिकल नहीं रहा है अभी. और ये इशू बिट सी क्रिमिनल इज नॉट एन क्रिएटिंग एन ऑफेंस अगेंस्ट यू, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. कोई अगर मर्डरर होता है तो मर्डर का ऑफेंडर जो होता है, मतलब क्रिमिनल होता है, ही इज टेकन एज अ क्या कहूँ मैं, क्रिमिनल अगेंस्ट द स्टेट, मतलब स्टेट उसके अगेंस्ट केस फाइल करती है, व्यक्ति नहीं. तो वैसे ही अगर कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो ये दिस इज अ थ्रेट टू द सोसाइटी, नॉट टू द यू. ये ध्यान में रखिए, आप अकेले नहीं, आप जैसे और 10-15 लोग होंगे, और आप चुप रह के अगर नो की जगह यस कर रहे हैं तो आप उसका साहस बढ़ा रहे हैं. और ऐसे समय पे आपको बहुत, मतलब ऐसे समय तो घर वालों से छुपाना नहीं चाहिए, मेरा पक्का विश्वास है, क्योंकि घर वाले आपका वो हेलमेट है. हेलमेट का मतलब, जब हम मोटरसाइकिल चलाते तो हेलमेट पहनते हैं ना, तो दैट सेव योर हेड. तो आपकी इज्जत बचाने वाले आपके घर वाले होने वाले, और ये प्रश्न इज्जत का हो रहा है अभी, ये रिलेशनशिप का या इमोशन का नहीं है. इट इज अबाउट अ रेपुटेशन एंड समबडी इज हेलबेंट ऑन डिसरेप्यूटिंग यू बाय डूइंग सम मॉफ फोटोग्राफी और वीडियोस. ऐसे समय मतलब घर वालों को बताना आवश्यक है, अगर मैरिड है तो हस्बैंड को बताना आवश्यक है या जो भी है. और दूसरा, वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, मतलब इसमें पुलिस यंत्रणा को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को पकड़ना आवश्यक है और पकड़ के उसको बेनकाब करना आवश्यक है. इसमें हो सकता आपकी थोड़ी बेइज्जती होने की संभावना बनती है, पर आजकल जो सिस्टम चल रही है वो आपकी आइडेंटिटी बिना डिस्क्लोज किए करेंगे, ऐसा मुझे लगता है. हमें गुड सिस्टम ऑफ कैचिंग सच पीपल देर आर, आई वुड लाइक देम टू रियली, मतलब अगर चाहिए तो हम उनको नंबर दे देंगे जहां पे जाए और कंप्लेन करे, पर ये साइकोलॉजिकल इशू नहीं है. पर अगर आपने कुछ गलती से गलत कर दिया है और अभी वो गलती के ऊपर ये हो रहा है, तो अभी आपको डर है थोड़ा सा, पर फिर भी वो जो शास्ते खाने ना, वो उंगली पे कट गई पर जान बच गई, तो उंगली कट जाए पर जान बच जाए, जान पे ना आ जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ. ऐसा जनरली ऐसे सिचुएशन में सर, यंग लड़कियों का ये होता है कि उनको ये डर लगता है कि घर वाले क्या कहेंगे, इसीलिए दे गेट इनटू बिगर डेंजर. जबकि मुझे लगता है कि घर वाले कह कर कितना भी कहेंगे, but then they are always the people who can protect us. सपना, तुम अपनी लड़कियों बच्चियों की माँ हो, मैं भी एक लड़की का बाप हूँ, तो घर वालों को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं. yes. और मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर ऐसे समय हमारे बच्चे फंसते हैं, तो मैं बाप बोल के या तुम माँ बोल के, मुझे विश्वास है हम उनको पहले प्रोटेक्ट करेंगे और बाद में जो कुछ पंचनामा करना है करेंगे. मतलब ये सवाल नहीं पूछेंगे कि क्या किया तुमने, ये सवाल पूछेंगे अभी क्या करना चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए. मैं विश्वास दिलाता हूँ, ऑल द अवेयर पेरेंट्स, एंड इफ दे आर नॉट, देन परहैप्स यू कॉन्टैक्ट द प्रोफेशनल हु शुड इन्वॉल्व योर फैमिली मेंबर्स टू सी दैट दे गेट अ पर्सपेक्टिव ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ दिस इशू. क्योंकि ये स्पायरलिंग डाउन है, स्पायरलिंग मतलब जो भंवरा होता है ना तालाब में या कहीं पॉन्ड में, ऐसा भंवरा, इससे फंसते जाओगे तो बाहर नहीं निकलोगे. बाहर नहीं बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, एक बार हां बोलो होने वाली है, ये घसने वाली बात है, ये फंसने वाली बात है, हाँ बोलना. तो आगे बढ़ते हैं सर, देयर इज आल्सो अ क्वेश्चन ऑन व्हाट इफ वी से यस समटाइम्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट.
देखिए समटाइम्स इज एवरीथिंग इज ओके, समटाइम्स देर इज नथिंग एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट समटाइम्स देर इज नथिंग रॉन्ग एट ऑल, बट मुझे लगता है कि आप किसको नहीं बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, वो व्यक्ति का आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस क्या है, वो जो इंसिडेंस है या जो डिमांड है या नीड है वो कितनी फ्रीक्वेंट है, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर्स, और उसका आपके ऊपर निगेटिव असर कितना हो रहा है. आई थिंक वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि रेस्पेक्टफुली भी हाँ बोलना है, हाउ मच इज इट पुटिंग मी इन टू ट्रबल और इनकन्वीनियंस. ठीक है, अगर थोड़ा बहुत है और मुझे लगता है कि भाई वंस इन अ वाइल है, इसने व्यक्ति ने बोला है, कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है. बट देन अदरवाइज आउट ऑफ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट के नाम पे भी वही चीज जो सर ने स्टार्टिंग में कही है कि हमारे यहाँ पे जो रेस्पेक्ट वाली बात है कि अथॉरिटी है, बड़े हैं, उन्होंने हाँ तो हमने हाँ बोलना ही. बट मुझे लगता है कि इफ इट इज कंटिन्यूसली कॉजिंग, अब यही चीज है सर कि जिन लोगों की नई मैरिज भी हो रही है, अब यहाँ पर ये सवाल आ जाता है कि ससुराल वाले या उस लड़के के पेरेंट्स, दे वुड हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम एज अ कपल एंड फ्रॉम द डॉटर इन लॉ. अक्सर ये देखा जाता है कि बस वो बुजुर्ग है इसीलिए चारों में से एक कोई कंटिन्यूस कॉम्प्रोमाइज करता, या वो बुजुर्ग है आउट ऑफ रिस्पेक्ट है इसीलिए लड़का अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करता है कि इसने कंटिन्यूअसली कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, और समटाइम्स दीज डेज इट इज वाइस वर्सा ऑल्सो, बिकॉज द गर्ल इज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, द बॉय इज टॉकिंग टू हिज मदर कि आप मत बोलो कुछ भी उस चीज को. तो आउट ऑफ लव आउट ऑफ रिस्पेक्ट हाँ बोलने में हर्जा नहीं है, बट हाउ मच इज इट अफेक्टिंग योर लाइफ, आई थिंक इट इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सपना, ये व्यक्ति जो रिस्पेक्ट योग्य है ऐसा आप मानते हो, उसका आपके जिंदगी में कितना इन्वॉल्वमेंट है? इससे आप अगर रोज मिलते हो, 24 घंटा मिलते हो, महीने में एक बार मिलते हो, इसके ऊपर तय होगा कि रिस्पेक्ट के साथ कभी यस बोलना कितना जायज है या नहीं है. अगर वंस इन ए वाइल ये रिस्पेक्टफुल पर्सन आपके जिंदगी में आके टच करके जाता है, मतलब ही कम्स वंस इन ए वाइल एंड जस्ट स्पेंड सम टाइम एंड गोज अवे, सो इट इज ओके टू से यस टू हिम नोइंग दैट दिस यस इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग. पर अगर यही व्यक्ति 24 घंटा आप ही के घर में रहता है और उसको आप अभी रिस्पेक्ट से यस बोलना सीख रहे हो, तो ये व्यक्ति को नो सुनने की आदत लगा दो तो बेहतर है. क्योंकि नहीं तो ये व्यक्ति ये एंटाइटलमेंट, मतलब रिस्पेक्ट इज नॉट टू बी डिमांडेड बट इट हैज टू बी कमांडेड, मतलब उसकी हरकत ऐसी हो जिससे वो रिस्पेक्ट के लायक हो, और वो अगर अनरीजनेबल है जिससे आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या आपका ह्यूमिलिएशन हो रहा है, तो ऐसे समय उसको भी कभी कभार रिस्पेक्ट से यस बोलो, कोई हरकत नहीं है, पर कभी कभार रिस्पेक्ट के साथ नो भी बोलो. और वो रिस्पेक्ट किसके लिए? खुद के लिए है. एंड आई वॉन्ट यू टू रिस्पेक्ट यूर सेल्फ ऑल्सो, एज यू रिस्पेक्ट अदर्स डोंट फॉरगेट दैट यू आर ऑल्सो वर्दी टू बी रिस्पेक्टेड. वेन यू रिस्पेक्ट हिम एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट यू से यस टू हिम एवरी टाइम, द पर्सन हु इज अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, द कोर फैमिली, बेसिकली यू आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू हिम, यू आर गिविंग डिसरिस्पेक्ट टू यू एवरी टाइम. एंड आई वुड लाइक यू टू शो रिस्पेक्ट टू यू ऑल्सो समटाइम्स. तो आपको रिस्पेक्ट देने के लिए नो बोलना अगर आवश्यक है तो नो जरूर बोलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ सपना. इसी को हम असर्टिवनेस कहते हैं. एंड यहीं पे एक भी बात और है सर, ये इंडियन सोसाइटी की जो आप बात कह रहे थे कि पेरेंट्स के अगेंस्ट कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, बुजुर्ग है तो उनके उनके अगेंस्ट या उनकी बात काटनी नहीं चाहिए कभी भी. मैंने इसके देखा है सर, बहुत लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स होते हैं. आई हैव सीन यंग एडल्ट्स हु आर डूइंग द राइट थिंग्स इन लाइफ, कुछ गलत भी नहीं कर रहे हैं. मे बी लेट्स टॉक अबाउट चूजिंग अ करियर, करियर चूज करने की बारी आती है, एंड द पेरेंट्स हैव सर्टन सेट पैटर्न ऑफ थिंकिंग, आउट ऑफ दैट दे आर कंटिन्यूअसली पुटिंग प्रेशर फॉर द चाइल्ड टू डू अ सर्टन थिंग. अब ये जो यंग एडल्ट है, ये जानता है अगर कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, लाइक प्रॉपरली यू हैव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, एंड आउट ऑफ दैट भी अगर वो अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेना चाहता है, तो कई बार सिर्फ इसीलिए नहीं ले पाता कि पेरेंट्स को नहीं कैसे बोला जाए, दे डोंट एक्सेप्ट नो व्हेन वी से नो. तो यही जो बात आप अभी कह रहे थे कि इवन इफ इट्स एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ योर फैमिली, बट इफ यू नो दैट आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो या उनके अगेंस्ट नहीं कर रहे हो. सी वन थिंग इज दैट यू डू समथिंग डेलिबरेटली टू गो अगेंस्ट समवन एंड टू हर्ट समवन, अनदर थिंग इज आप अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, उससे सामने वाले को बुरा लगता है तो इट इज ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. सपना, हम जब नो कहते हैं तो हमें डिबेट में नहीं जाना है. मतलब कई बार ये होता है कि जब हम नो कहते हैं तो आगे वाले को ये महसूस करवाते हैं कि आपको हम यस नहीं कह सकते क्योंकि आप गलत हैं. व्हेन आई से नो नॉट बिकॉज यू आर रॉन्ग, बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन और आई हैव माय डिफरेंट अप्रोच. बीइंग डिफरेंट इज ओके, बट बीइंग राइट एंड रॉन्ग इज अ जजमेंट.
तो हम जब जजमेंटल इश्यू में घुस जाते हैं, और मैं इसलिए नो कह रहा हूं कि वो गलत है और मैं उनको गलत साबित करने के पीछे लग जाता हूं, तो शायद फिर वो मान अपमान का प्रश्न बीच में आ जाता है। तो हमें जब नो कहना है तो हमें ये भी समझाना है कि आई हैव अ डिफरेंट व्यू, एंड सिंस माय व्यू इज डिफरेंट आई एम नॉट सेइंग यस टू यू, डजंट मीन यू आर रॉन्ग, यू कैन बी राइट एंड देन आई हैव अ डिफरेंट व्यू, सो लेट मी चार्ट माय ओन पाथ। अभी ये फिर आपके एकेडमिक करियर में हो या आपके किसी दूसरे मसले में हो, पर मैंने अक्सर देखा है सपना कि यंगस्टर्स भी कभी कभार कोई गलती कर देते हैं, वो है कि नो कहने के पहले वो अपने माँ बाप को कितने गलत है या जो एल्डर है उनको कितने गलत है और उनका तरीका कितना सही है, इस तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं, और वो पेश करने की कोशिश गलत है ऐसा मैं मानता हूँ। नो कहना गलत नहीं है, नो कहने का आपको हक है, पर नो कहने के लिए आपको दूसरे को रेडिक्यूल करने की जरूरत नहीं है। जैसा बुजुर्गों ने रेडिक्यूल नहीं करना है बच्चों को, तुम बेवकूफ हो, वैसा बच्चों ने भी आप आउटडेटेड हो, आपको अकल नहीं है, आपको समझता नहीं आज के जमाने का, ये कहने की जरूरत नहीं है, दिस इज बीइंग जजमेंटल। तो हमें बिना जजमेंटल हुए एक में के प्रति आदर रिस्पेक्ट रखते हुए अपना रास्ता चुनना चाहिए। मैंने ये देखा है सपना, इसलिए ऐसा कह दिया। लड़की के लिए बाप ने प्रपोजल लाया, इट इज द बेस्ट प्रपोजल द फादर थॉट ही हैज इन साइट फॉर द गर्ल, और गर्ल डजंट हैव एनी इंटरेस्ट इन एनी बॉय बट शी डजंट वांट टू मैरी फॉर अ वाइफ 2-3 years। और बाप का कहना है कि यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम शादी कर लो, यस कह दो ताकि ये बच्चा बुक हो जाए, मतलब हुक कर हो जाए उसको, और फिर शादी करके बाद में तुमको जो पढ़ाई करना है करो ना उसके साथ जाके, हम बच्चे से अनुमति देते हैं आपकी पढ़ाई की, आपको अकेले रहने की। पर लड़की कहती है कि ये प्रपोजल अच्छा है, मुझे प्रपोजल के साथ कुछ नहीं है, मैं जब नो कह रही हूँ ना तो प्रपोजल को नो नहीं कह रही हूँ, मैं शादी को नो कह रही हूँ। पर बाप कहता है तुम्हें शादी तो अल्टीमेटली करना है ना, तो लड़की कहती है हाँ मुझे शादी अल्टीमेटली करना है पर आज नहीं करना है, तो ये मेरे पास आ गए और बड़ी मुशक्कत हुई क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली थी और बड़ी तकलीफदायी बात थी। पर हमने वो पिताजी से पूछा कि क्या आप ये शादी करके बच्ची को खुश देखना चाहते हैं या दुखी देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नेचुरली हम खुश देखना चाहते हैं, वी वांट हर टू बी हैप्पी। हमने कहा लड़की से कि क्या तुम शादी करके खुश होना चाहती हो दुखी होना चाहती हो, तो कह रही हम शादी खुशी के लिए करेंगे, दुख के लिए क्यों करेंगे। तो जब ऐसी कॉमन एजेंडा पे हम उनको लेके आ गए कि भाई दोनों शादी इसीलिए कर रहे हैं कि लड़की खुश रहे, तो लड़की की खुशी कौन डिफाइन करे, माँ बाप करे या बच्ची करे, तो माँ बाप ने कहा इसको अकल नहीं हम करें, और लड़की ने कहा मेरी खुशी मैं डिफाइन कर सकती हूँ। तो हमने माँ बाप को कहा कि आप आपकी लड़की को समझदार समझते हो या ना समझ समझते हो, तो उन्होंने कहा कि लड़की वैसे ना समझ है, तो फिर हमने कहा आप उसकी शादी क्यों कर रहे हो, तो वो एकदम पलट गए, नहीं नहीं वैसे नहीं है, वैसे वो समझदार है, उसने वो अभी इंजीनियरिंग में मेरिट में आई है, 90% के ऊपर है जो कुछ है, और नौकरी कर रही है ये कर रही है। तो फिर हमने कहा लड़की अगर समझदार है तो उसको निर्णय क्यों नहीं ले रहे हो, हमने उनको थोड़ा गुगली डाल दिया और हमने कहा कि आप अगर शादी के लिए काम कर रहे हो तो उसकी बातों से वो सुनो। हमने उनको कन्फ्यूज कर दिया, उनको जो लग रहा था कि लड़की का भला देखने का ठेका या अकल सिर्फ मेरे पास है, और ये कई माँ बाप ऐसा करते हैं दुर्भाग्य से, ऐसे समय मैं सोचता हूँ सपना ऐसे लड़कियों ने या लड़कों ने आपके आपका आपकी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय कोई आर्बिट्रेटर मीडिएटर इंटरवेनर लगता है, क्योंकि यस ना का झगड़ा करके घर के हालात खराब करना तो बुरा है, क्योंकि इधर माँ ने खाना छोड़ दिया था लड़की ने नहीं बोला तो, और जब लड़की को ये माँ ने खाना छोड़ दिया तो लड़की ने कह दिया कि मैं रूम लेके अलग रहूंगी, तो वो फैमिली और जॉइंट फैमिली थी, वो फैमिली टूटने के कगार पे आ गई थी, और उनको कोई एल्डर था उन्होंने उनको हमारे पास लाया था। अभी हाल ही में एक और एक दूसरी केस आई, एक लड़की बहुत होशियार है, मेरिट में थी इंजीनियरिंग में और वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में काम कर रही है, सैलरी पैकेज भी बहुत एस्टोनिशिंग है, मतलब समबडी शुड एनवी हर सैलरी पैकेज, और वो कहती मुझे नौकरी छोड़नी है, और उम्र 24 साल की, 24 या 25 साल की, कहती मुझे नौकरी छोड़नी है, और माँ बाप तो उनके आंख पे कांटा आ गया, सांप सूंघ गया, हाँ, और वो कह रहे हैं अरे इसको समझाओ, और वो नहीं कह रहे हैं, और लड़की में कहती मैं नौकरी छोड़ूंगी। तो हमने उनको ना कहने का तरीका समझाया लड़की को, हमने कहा लड़की बेटी तुम्हें अगर नौकरी छोड़नी तो नौकरी छोड़ना तुम्हारा हक है, पर ये तुमको शादी करनी है क्या, तो लड़की ने कहा हाँ मुझे शादी करनी है। तो हमने कहा शादी करने के लिए लड़का क्या देखेगा, तो लड़का ये भी एक पैरामीटर देखेगा कि तुम नौकरी कर रही हो क्या और तुम्हारा पगार कितना है, अगर तुम नौकरी छोड़ दोगी और तुम्हारा पगार जीरो हो जाएगा या जो भी तुम करना चाहते हो उसमें से जो मिलेगा
उसमें से आपकी वो जो वैल्यू इन द मैरिज मार्केट कम होगी ज्यादा होगी, तो उसको समझ में आया मैरिज मैरिज में वो मार्केट वैल्यू कम होगी। तो हमने कहा तुम क्यों ऐसा ना करती हो कि शादी का वो पार्टनर ढूंढते तक नौकरी छोड़ने का आग्रह छोड़ दो, और जब वो शादी के लिए पार्टनर तुमको चुन लेगा उसको बताओ मुझे नौकरी छोड़नी है, अपने माँ बाप को मत बताओ। क्योंकि माँ बाप को बता के अभी तुम ये देख रही हो कि वो तुम्हारे नौकरी के लिए नहीं तुम्हारी शादी के लिए भी परेशान हो रहे हैं, तो नो कहने के मतलब इसको मैं वो सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात बोला कि हमारा जो अप्रोच नो कहने का है ना सपना, वो अगर हम समझाने के मार्ग से जाएंगे और अल्टीमेटली जहां पे हक ना चले वहां लूट सही, सच ना चले वहां झूठ सही, मैं चाणक्य की नीति में विश्वास रखता हूँ। मतलब सच बोल के भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, एक गाना था मालूम क्या, जहां सच ना चले वहां झूठ सही, जहां हक ना चले वहां लूट सही, इसमें मैं विश्वास रखता हूँ। क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हें दुखी होने का अधिकार नहीं है, तुम्हें खुश होने का पूरा अधिकार है। तुम खुश होते समय दूसरों को दुखी मत करो, पर दूसरा अगर दुखी होता है तो उसकी प्रॉब्लम है समझ लो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे ने अपनी खुशी को तुम्हारे यस नो पे जोड़ दिया है तो उसकी प्रॉब्लम है। तुम बड़े हो, अगर मैं बड़े बच्चों के लिए सलाह दे रहा हूँ, समबड़ी हु इज मोर देन 22-24 में जो भी है, और छोटे बच्चे अगर मेरी बात सुन रहे हैं 16 साल के नीचे, तो तुम नादान हो, तुम अपनी माँ बाप की सुनो। सर दूसरा मैं इसको एक और एंगल से भी इसको देना चाहूंगी कि हाउ टू से नो के लिए, अब जो आपने ये बात कही सर, इसके लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी जरूरत होती है कि मुझे अपने ऊपर विश्वास है। तो मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पे काम करना, ये मुझे लगता है हर चीज के लिए जरूरी है कि आई नीड टू वर्क ऑन अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, नोइंग माई सेल्फ, एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ और मैं कैसी हूँ, एंड आई एम ओके विद दैट, एंड आई एम ओके विद दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप मुझे आप बताएं कि आप सही नहीं हो, तो मुझे कम से कम खुद पे विश्वास होना चाहिए, आई एम ओके विद दैट। मतलब जैसे शादी का ही आपने एग्जाम्पल दिया है, दुनिया एक नॉर्मल एंगल से देखकर ये कहेगी कि शादी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो नॉर्मल मतलब जो एक ट्रेडिशनल एंगल है, मैं नॉर्मल नहीं कहूंगी, ट्रेडिशनल एंगल से कहेंगे कि शादी करना बहुत जरूरी है, बिना शादी के आप रह नहीं सकते हो, ऐसी लाइफ जीना अच्छी बात नहीं। सो इन दैट केस इफ आई हैव टू से नो, फर्स्ट आई हैव टू नो माई सेल्फ कि मुझे नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, आगे की जो लाइफ है उसके प्लसेस माइनसेस एम आई अवेयर ऑफ दैट, कैन आई टेक केयर ऑफ इट। वो अपनी लाइफ अपनी जिंदगी से जीने के लिए मुझे अपने ऊपर क्या काम करना है। और सो मान के चलिए कि इफ पेरेंट्स पेरेंट्स की एक सिंपल कंसर्न होती है कि भाई हमारे बाद लड़की का क्या होगा, जो एक एक टिपिकल कंसर्न है, तो कैन आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कैन आई गिव दैट कॉन्फिडेंस टू माई पेरेंट्स दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। उसके लिए खुद के ऊपर काम करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, हमको हमारे कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए देर आर 3 types ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी डू। वन इज असर्टिवनेस, और अगर असर्टिवनेस नहीं है, असर्टिवनेस इस शब्द को डिफाइन करने के लिए कि आप जो कहना चाहते हैं उसमें से इमोशंस हटा के क्या आप उसको सीधी सीधी भाषा में बात कह सकते, मतलब ना गुस्सा होके ना दुखी हो, तो एक मैटर ऑफ फैक्टली मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, सो मे बी आई वुड नॉट लाइक टू बी हियर, एज सिंपल एज दैट। अगर हम ये नहीं कर पाते तो दो चीजें होती, या तो हमारा आवाज बढ़ जाता है और हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, एंड देन वी स्टार्ट शाउटिंग स्क्रीमिंग और मे बी अब्यूजिंग ऑल्सो। और अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दूसरी चीज ये कि हम अंदर मन में दबा के वी कीप ऑन सल्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, दैट इज सबमिसिव, अग्रेसिव, असर्टिव, सबमिसिव। अगर हम असर्टिवनेस सीखने की कोशिश करते, इट विल टेक टाइम, देयर आर मेथड्स ऑफ डूइंग इट, बट असर्टिवनेस अगर हम सीखने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं बोलने वाला कम्युनिकेशन भी हम पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखो, तुमने जो 3 बताया ना, एग्रेसिव वुड ऑलवेज से नो, नो इज टू जस्ट एग्जिबिट हिज अथॉरिटी, और सबमिसिव वुड ऑलवेज से यस, एग्रीकल्चरिस्ट। ये असर्टिव है कि वो हर को यस कहता है पर यस बट कहता है, मतलब वो इमोशन को तो सहलाता है पर अपने कॉग्निशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। असर्टिव पर्सन नोज व्हेन टू से यस, हाउ टू से यस, व्हेन टू से नो, हाउ टू से नो, और इसमें ही रिस्पेक्ट्स हिमसेल्फ एंड ही रिस्पेक्ट्स अदर्स आल्सो। एग्रेसिव डजंट रिस्पेक्ट अदर्स एंड सबमिसिव डजंट रिस्पेक्ट हिमसेल्फ। तो तुमने जो कहा असर्टिवनेस इज द की,
to speak or say no when you want to say no. And when you want to say no, you should know the art of saying no. No cannot be just N-O, no. No can be in various form. It can express your love. दूसरा चीज वैसे यही बात है कि जब आप नहीं कहते हो तो rejecting the idea and not rejecting the person. Saying no to the idea but not saying no to the person, ये भी एक communication का ही हिस्सा है कि आप किस तरीके से नहीं बोलते. अगर आप सामने वाले को पूरी तरह से condemn करके या you are useless ये feeling दिलवा के नहीं बोल रहे हो आप, तो then you are spoiling the relationship. जरूरी नहीं है कि जहां आप नहीं बोलते हो वहां relationship खराब हो ही, हो भी सकते हैं. अगर सामने वाला बिल्कुल ही समझने को तैयार नहीं है तो हो भी सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप खराब. तो अगर हम डिसएग्री करना चाहते हैं लेकिन वो पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आई थिंक वी नीड टू लर्न पेशेंस ऑल्सो. वी नीड टू लर्न सम राइट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वर्ड्स. और मुझे क्या लगता है सर कि एक बहुत अच्छा टूल हमारे पास है अभी जिसको हम कहते हैं टेक्स्टिंग. कई बार जब हमको सामने वाले व्यक्ति का बहुत डर लगता है तो हम फेस पे कुछ कह नहीं पाते और जो हाँ कहना चाहते नहीं कहना चाहते हैं पर हाँ कह के आ जाते हैं. तो आई हैव सीन इन सच सिचुएशन अगर आप बस उस मोमेंट को डिफर करके मैं बताता हूँ इतना बोलकर बाकी अपने थॉट्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके उसको आप अगर टेक्स्ट में लिखते हो तो टेक्स्ट में आप चार बार उसको पढ़ सकते हो कि आप उसको ठीक करो. इट इज नॉट साउंडिंग नेगेटिव, इट इज नॉट साउंडिंग हर्टिंग डेलिबरेटली उसको, और आप जो कहना चाहते हो आप बराबर कह रहे हो. तो टेक्स्ट लिखकर अगर आप सामने वाले को भेजते हो तो उसका एडवांटेज एक और है कि उसके साथ में आपका टोन, बॉडी लैंग्वेज ये सारी चीजें नहीं जाती कि आप डर रहे हो ये भी सामने वाले को पता नहीं चलता है और आप अग्रेसिव हो रहे ये भी सामने वाले को पता नहीं चलता. सो मेनी टाइम्स इफ यू डोंट सपना, मुझे सपना मुझे तुम्हारे उस सुझाव पर और एक सुझाव देना है. बहुत अच्छा सुझाव है टेक्स्टिंग का. और मैं तो समझता हूँ टेक्स्टिंग तो अच्छा ही है, इसके साथ अगर आप ऑडियो भेज सकते हो उसको, क्योंकि ऑडियो में आपके आवाज के चढ़ उतार से आपकी भावना समझ में आ सकती है. और भगवान करे आप अगर वीडियो बना के भेज सकते हो, क्योंकि आप तो अभी नॉन थ्रेटनिंग एनवायरमेंट में कम्युनिकेट करने वाले हो, तो आप वीडियो भी बना सकते हो और वीडियो उसको भेज सकते हो. मतलब आपने जो कहा ना कि व्हेन यू हैव नॉट टू कन्फ्रंट अ पर्सन एंड सेंड योर कम्युनिकेशन, इट कुड बी बाय टेक्स्ट, इट कुड बी बाय ऑडियो क्लिप जिसमें आपकी आवाज के चढ़ उतार से आपके भाव प्रकट हो जाएंगे, या फिर वीडियो भेजते तो आपके चेहरे के भी हाव भाव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उसे समझ में आ जाएगा. और अगर आप सही में इफ यू आर जेन्युइन एंड सिंसियर, आई थिंक द थिंग्स वुड गेट रिफ्लेक्टेड थ्रू योर कम्युनिकेशन. पर बहुत अच्छा सुझाव लगा अपना तुम्हारा टेक्स्टिंग का, कि तभी उसी समय मत नहीं करके थोड़ा सा उस एनवायरमेंट से हट जाए, फिर जिस फॉर्म में आपको कम्युनिकेट करना अच्छा प्रॉपरली जमता है उसको आप उस फॉर्म में कम्युनिकेट करिए. तीसरा सर मुझे लगता है कि जो लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हमको ये बोलकर दिखाना जरूरी है दैट आई लव यू. यस, जहां पर प्यार करते हैं, प्यार वाले रिश्ते में भी नहीं बोलना जरूरी होता है कई बार. जैसे आप अपने बच्चे को मना कर सकते हो कई बार कि ओके, बट उसके साथ में अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली ये भी बताते हो दैट आई लव यू तो वो रिश्ता खराब नहीं होता है और दैट नो इज ऑल्सो कम्युनिकेटेड इन अ प्रॉपर वे. तो आई रेस्पेक्ट यू, आप किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, कोई एल्डरली है लेकिन बार बार आपके समय पे डिमांड कर रहे हैं एंड बीइंग अनरीजनेबल, तो आप ये बता सकते हैं कि मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ और मैं आपके लिए करना चाहूंगा लेकिन इस समय मेरे लिए बहुत इनकन्वीनियंट होता है, आप मुझे बता दीजिए, वी विल सी हाउ इट कैन बी मैनेज. ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप बोलिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम आई लव यू और आई रेस्पेक्ट यू शब्द मुंह से नहीं निकालते. हम कहते हैं उसको तो पता होना चाहिए प्यार तो करता हूँ इतना, उसको समझ में नहीं आता है क्या. तो ये जो साइलेंट कम्युनिकेशन वाला हमारा एक्सपेक्टेशन होता है ना सर, मुझे लगता है ये भी गड़बड़ करा है कम्युनिकेशन में, कि हम गुस्सा तो एक्सप्रेस कर देते, हम डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस कर लेते लेकिन हम प्यार नहीं एक्सप्रेस करते. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू पुट दैट ऑल्सो इन वर्ड्स टू एंश्योर कि आपका जो नहीं बोलना है वो नेगेटिव वे में ना लिया जाए. सपना, अगर मुझे अथॉरिटी टू से नो एक्सरसाइज करना है तो मुझे ड्यूटी टू से आई लव यू एग्जिबिट करना होगा. आई कैनॉट नॉट डू माई ड्यूटी एंड एक्सरसाइज माई अथॉरिटी टू से नो, बिकॉज आई टोल्ड यू व्हेन आई से नो आई एम एक्सप्रेसिंग माई अथॉरिटी. और ये अथॉरिटी जब मैं बताता हूँ तो मेरा कर्तव्य, मेरा प्रेम प्रकट होना चाहिए. और वो आई लव यू शब्द है या बाकी भी हरकत अपने एक्शन से प्रकट होता है. बहुत अच्छा बताया सपना. तो इसको हम समझ करते हैं सर कि जब हम नहीं बोलना चाहते हैं लेकिन मजबूरी में, किसी भी मजबूरी में हाँ बोलते हैं तो इट हैज गॉट अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन आवर लाइफ.
वंस इन अ वाइल हो जाए तो कोई बात नहीं, बट अदरवाइज इट डज अफेक्ट अस अ लॉट. हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, हम अंदर ही अंदर उस चीज को घोलते रहते हैं. इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग इन अवर रिलेशनशिप्स ऑल्सो. तो इफेक्ट तो काफी उसका ज्यादा होता है. जो जिस व्यक्ति को खुश करने के लिए आपने हाँ बोला है, उसके लिए भी लॉन्ग टर्म सही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला नहीं है. इट्स नॉट आर्टिफिशियल, थिंग्स डोंट वर्क. तो हमको सभी को इस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि वी नीड टू से नो जब नहीं बोलना जरूरी है तब. लेकिन उसके लिए हमको हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, हमको हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है. प्लीज कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम पे आप काम करना चाहते हो. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ सिंपल आंसर इन अ फोरम लाइक दिस. तो आई विल सजेस्ट यू नीड टू गेट इन टच विद अ काउंसिलर. मतलब मैं हूँ या सर है जरूरी नहीं है, आपको दुनिया में जिस काउंसलर से बात करना है उससे बात करिए, सो दैट इंडिविजुअली आपकी पर्सनालिटी समझ के आपको हेल्प किया जा सकता है उस चीज के लिए. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ एस्टीम, कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड रिमाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन ऑफ योर द इंटेंशन ऑफ योर इंटेंशन, एंड टू रिमाइंड टू मेक कीप लव एंड रिलेशन, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रेश इन एवरी रिलेशनशिप. So that, नहीं बोलने के चक्कर में रिलेशनशिप खराब ना. लेकिन जैसा हमने शुरुआत में बात की थी, अगर वो व्यक्ति आपके लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा ला रहा है, तो प्लीज कहीं ना कहीं कंसिडर करिए, डज दिस पर्सन रियली नीड टू बी इन माई लाइफ. कुछ रिश्ते हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन बाकी रिश्ते आज आपको कितने भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लेकिन अगर कंटिन्यूस आपके लाइफ में नेगेटिविटी ला रहे हैं, तो प्लीज थिंक कि क्या ये रिश्ता आपके लाइफ में जरूरी है या नहीं. जैसे सर में शुरुआत में कहा, First you need to love yourself, first you need to respect yourself, and first you have got the right to remain happy. आप और कुछ कहना चाहेंगे सर? Remain happy. God bless you. Say no when you need to say no. Yes. Thank you so much. इतने सारे questions आपने पूछे, आप हमारे साथ में join हुए, it gives us a lot of encouragement. हमारे पास बहुत और topic है, और जैसे जैसे समय जाएगा हम आपके साथ connect होने की कोशिश करते रहेंगे. हो सकता है हमारा schedule थोड़ा change होता रहे, because long term programs में we cannot commit कि एक particular day, particular time हम कर पाए, but accordingly we'll keep on communicating with you, और आप लोग भी हमारे साथ communicate करते रहे इस program में, जिसका नाम है जब कोई बात बिगड़ जाए. Thank you so much. Thank you. God bless.